नमस्कार मित्रों, आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। आशा है इस कोविड काल में आप स्वस्थ और सानंद होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पर्यावरण संरक्षण और जैविक परिवर्तन से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ बात करना चाहते हैं। यह है कार्बन स्थिरीकरण और कार्बन श्रेय। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन क्रेडिट। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पूरे विश्व में वैश्विक लेवल पर एक नए तरह का व्यापार एक शक्ल ले रहा है और वह है कार्बन सिंक का व्यापार। एक देश अगर अपने पास अधिक कार्बन सिंक बना सकता है, अधिक कार्बन स्थिर कर सकता है, वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसेस में जो मुक्त कार्बन है उसकी मात्रा कम कर सकता है, तो वह अपने देश के जो उसकी मान्य जो जो उसकी उसकी सीमा है उससे अधिक अगर कमी उत्सर्जन में ले आता है और उसके कार्बन सिंक अधिक हो जाते हैं तो वह उसको दूसरे देशों को दे सकता है। और इसके बदले उसको लेने वाले देश, विशेष रूप से औद्योगिक देश, उसको उसके कुछ नियत प्रोजेक्टों के लिए एक विशेष यूनिट में नापे गए कार्बन, जिसको कहते हैं कार्बन इमिशन क्रेडिट, सॉरी सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्रेडिट, तो इस क्रेडिट के हिसाब से वो उसको भुगतान कर सकते हैं, उनके उस खास तरह के प्रोजेक्टों को समर्थन कर सकते हैं। यह इस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन क्रेडिट का महत्व है। मित्रों, अभी हम इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है और जिसकी प्रमुख पहचान वैश्विक उष्मीकरण है, वह कम किया जा सकता है और उसको कम करना पड़ेगा। पृथ्वी के भविष्य के लिए, मनुष्य के भविष्य के लिए, अन्य जीवों के भविष्य के लिए हमें जलवायु परिवर्तन को प्रबंधन उसका करना पड़ेगा, अथवा हमें एक ऐसे दौर में प्रवेश करना होगा जहाँ मनुष्य और अन्य जीवों का सर्वाइवल संभव नहीं हो पाएगा। जलवायु परिवर्तन को हमें समझना है तो हम इसको ऐसे समझें कि जलवायु परिवर्तन वह नहीं है जो हर साल कुछ परिवर्तन होते हैं फिर बदल जाते हैं, जैसे कभी मौसम थोड़ा सा अलग हो जाता है किसी महीने में, कभी पिछले साल अलग तरीके का था। यह जो परिवर्तनशील जलवायु परिवर्तन है, यह जलवायु परिवर्तन के परिभाषा में नहीं आता है। उसमें वह परिवर्तन है जो अस्थाई है और एक ही दिशा में लगातार हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में यह देखा गया है कि पृथ्वी की जो सतह है पूरे विश्व में अलग-अलग स्तर पर गर्म हो रही है और लगातार हमारे वातावरण का तापमान बढ़ रहा है और वह बढ़ ही रहा है, एक दिशा में ही जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। उससे कई तरह के बहुत गंभीर परिणाम हो रहे हैं, जिसमें ग्लेशियर अधिक से अधिक पिघलते जा रहे हैं, जिसमें समुद्र की सतह बढ़ती जा रही है और इससे समुद्र के किनारे के जो शहर हैं, जो जो बस्तियां हैं, उनके डूबने का खतरा पैदा हो रहा है। इसके अतिरिक्त वर्षा की जो जो वर्षा के नियमितता है या जो समय है और उसकी तीव्रता है, उसमें बहुत बदलाव आ रहा है और इसके कारण विशेष रूप से खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है, किसानों को
पता ही नहीं चलता कि किस समय किस तरह का मौसम आ जाएगा और कब किस तरह की बारिश आ जाएगी। यह बड़ा संकट एक पैदा हो रहा है और हमारी खाद्य सुरक्षा इसे बहुत खतरे में है। इसके अलावे बहुत तरह के जीव समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे और हमारी जैव विविधता कम होती जा रही है। यह विषय नहीं है इसलिए मैं विस्तार में इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जैव विविधता भी बहुत आवश्यक है प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए और पर्यावरण का पारिस्थितिकी का जो संतुलन है वह बहुत आवश्यक है मनुष्य और दूसरे जीवों को जीवित रहने के लिए। जलवायु परिवर्तन में जो एक और बात पाते हैं वह है कि जो आपदाएं हैं जिनका असर बहुत ही भयानक होता है, बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है आपदाओं से, चाहे वो समुद्र की हवाएं हों, समुद्र के से जुड़े हुए आपदाएं हों, या बाढ़ हो या सूखा हो या बहुत ही तरह की महामारियां हों, ये जैविक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीमारियां भी बढ़ रही हैं, ऐसा पौधों की भी बीमारियाँ, पेड़ों की भी बीमारियां, मनुष्य की भी बीमारियां, जानवरों की भी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं और नए नए तरह के जीव पैदा हो रहे हैं, नए नए तरीके के म्यूटेशंस हो रहे हैं। कोविड जो जिससे इस समय पूरा विश्व इतने भयानक तरीके से सफ़र कर रहा है, इसको भी समझा जा सकता है। कोई कहता है ये प्रयोगशाला में बनाया गया और कोई कहता है नेचुरल है, लेकिन जैसा भी हो ये जो वायरस हैं या जो छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं वो बहुत तेज़ी से इस जलवायु परिवर्तन के कारण से बदल सकते हैं। उनके उनके संरचना में म्यूटेशन आ जाएगा और उनके गुणधर्म बदल जाएंगे। कौन सा कितना खतरनाक हो जाएगा यह कहना मुश्किल है। तो इस तरह के खतरे लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे हैं, इसकी चिंता करना बहुत आवश्यक है। और इसकी चिंता पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन हम एक ऐसे दौर में हैं जिस दौर में एक तरफ जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है, वैश्विक गर्मी का खतरा बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ साथ साथ ही यह हो रहा है कि हम एक बाजार आधारित, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पर टिके हुए हैं। पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज के कंसेप्ट पर और एक ऐसे अर्थव्यवस्था पर टिका है जिसमें उसका एक मुख्य सिद्धांत है कि अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक खपत, अधिक से अधिक उत्पादन और अधिक से अधिक खपत में अधिक से अधिक रोजगार पैदा होंगे, अधिक से अधिक उसमें धन पैदा होगा और लोगों की समृद्धि होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो स्रोत हैं हमारे प्रकृति के, पर्यावरण के, जिनके ऊपर यह अर्थव्यवस्था टिकी रहती है, यह निश्चित है। इनका अधिक दोहन करेंगे, अधिक उपयोग करेंगे तो इससे ये जल्दी इनका क्षय हो जाएगा। इसी तरह से आवश्यकता से अधिक भोग होगा, आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा तो आवश्यकता से अधिक खपत होगा तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी, प्रदूषक तत्व बहुत ज़्यादा पैदा होंगे और यह जो जलवायु परिवर्तन जैसा संकट, जो संकट इस कारण से पैदा हुआ है, वह लगातार बढ़ता जाएगा। तो हमें जैसे महात्मा गांधी ने और बहुत सारे बड़े दृष्टिवान विचारकों ने कहा है कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकता की तो सभी चीज़ें हैं परंतु हमारे लालच की सभी चीज़ें नहीं हैं। तो हम अगर अपने जो हमारा जीवन दृष्टि है, जो हमारा कार्यशैली है, जो हमारे रहन सहन की दृष्टि है, पूरे विश्व में इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए उसका बदलाव नहीं करेंगे तो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से हमें लगातार जूझना पड़ेगा। मित्रों, हमारी भारतीय जीवन शैली में एक हमारे दर्शन में यह रहा है कि हम आवश्यकता भर का ही चीज़ें रखें, आवश्यकता भर की चीज़ें ही हम उपयोग करें और उन्हीं का खपत करें। परंतु पूरे विश्व में जहां आज मनुष्य की सभ्यताएं पहुंच गई हैं, जहां जीवन पद्धति पहुंच गई है, जहां हमारा
सोच समझ और हमारे विचार पद्धतियाँ पहुँच गई हैं। जिस तरह का कंपटीशन, गलाकाटू कंपटीशन, औद्योगिक कंपटीशन, धन का कंपटीशन पूरी दुनिया में मचा हुआ है, उसमें हम ऐसी कल्पना करें कि हम पुराने उन दिनों में लौट जाएंगे, तो यह बहुत कठिन है। यह एक बचकानी बात है, ऐसा संभव नहीं है। हमें विचार करना चाहिए और लगातार हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करके और पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। परंतु जो खतरा इस समय है, उस खतरे से निपटने के लिए भी बहुत तरह के वैज्ञानिक, तकनीकी और राजनीतिक, सामाजिक उपाय हैं जो इस विषय से जुड़े हुए हैं, जिसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन क्रेडिट की बातें हम करने जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर पहली बार पर्यावरण की चेतना को लेकर पूरे दुनिया में एक सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। और उसमें यूरोपीय देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें बहुत से देशों के राष्ट्राध्यक्ष उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। और उस सम्मेलन में पहली बार ये महसूस किया गया कि पर्यावरण भी बहुत आवश्यक है। इसके पहले औद्योगिक विकास में विज्ञान की भूमिका को एक जो यूरोपीय जागरण में भी एक अलग तरीके से देखा गया। वो देखा गया कि वो समाज के जो फ्यूडल सिस्टम है उसको तोड़ने में बहुत मददगार है, और तकनीकी और उद्योग और विशेष तौर पर रसायन से जुड़े हुए उद्योग पूरी पूरे विश्व को बहुत ही एक नई नई समृद्धि और नई चेतना देने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये 70 के दशक से यह महसूस होने लगा कि ये जो रसायन पैदा होते हैं, ये एक रसायन बाजार में आता है जिसका आप उपयोग करते हैं, उसके लिए हजारों हजार रसायनों को शोध के दौरान नाली में बहा दिया जाता है, और इतने ज़्यादा संख्या में रसायन बनते हैं, ऊर्जा की खपत होती है। ये रसायन जो प्राकृतिक नहीं है, जो संश्लेषित हैं, वो जब वातावरण में जाते हैं तो इनको संश्लेषित करने के लिए या इनको तोड़ने के लिए, इनको प्रभावहीन करने के लिए वातावरण में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे जीव नहीं हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव नहीं हैं जो मोटे तौर पर इन तमाम जो प्राकृतिक जो जो पदार्थों को गलाते हैं, संश्लेषित करते हैं, वो इन रसायनों को नहीं संश्लेषित कर पाते, और इसीलिए यह पूरे जीव जगत के लिए जहर बन जाते हैं। तो इसलिए हमें पर्यावरण के महत्व को समझना और उससे काम करना बहुत आवश्यक है। ऐसा इसके बाद वैश्विक स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, देशों के स्तर पर, समाज के स्तर पर बड़े पैमाने पर महसूस किया जाने लगा। और उसके बाद लगातार ऐसे सम्मेलनों की पूरी सीरीज है, जिन पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इन सीरीज में एक सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में जिसकी चर्चा हुई एक सम्मेलन में, और इस क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 के दिसंबर माह में स्वीकृत किया गया। बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए, और इसके अंदर एक व्यवस्था बनाई गई कि हम इस उत्सर्जन को, जो वाहनों से होता है, ट्रांसपोर्ट से होता है, जो फॉसिल फ्यूल को जलाने से होता है, जो औद्योगिक इकाइयों से होता है, इसको कैसे कम करें। क्योंकि तब यह समझा जा चुका था, इसी दौरान में एक और व्यवस्था हुई थी, इंटरनेशनल, जिसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसमें जो तमाम शोध हुए थे तब तक, करीब 90 के दशक के आखिर तक, वो सारे शोधों को, उसको एनालाइज किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, वैश्विक लेवल पर चुने हुए बहुत ही जो अथेंटिक किस्म के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ थे उनके द्वारा, और उससे यह निष्कर्ष निकाला गया। उनकी कई तीन चार चार के करीब असेसमेंट्स आई, और उससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह जो जो उत्सर्जन है वही इस जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय जो प्रदूषण है उसका कारण है। इसी संदर्भ में यह क्योटो प्रोटोकॉल बना, और क्योटो प्रोटोकॉल में यह तय किया गया कि हमें इसको कम करने के लिए वैश्विक उपाय ढूंढने पड़ेंगे।
मित्रों, देशों के भीतर अपना एक कानून होता है, उसको बहुत आसानी से लागू किया जा सकता है, कोई भी सरकार लागू कर सकती है। परंतु विश्व के तमाम देशों के बीच अगर कोई विवाद है या कोई समस्या है तो उसको हल करने के लिए कोई कानून ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ समझौते होते हैं, कुछ इसके लिए ऐसी सहमति से कुछ कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। पर्यावरण को लेके इसी तरह के नियम लगातार विकसित हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर तमाम देश हैं, धरती बटी हुई है देशों के बीच, समुद्र बटा हुआ है, पहाड़ बटे हुए हैं, परंतु हवा बटी नहीं है। वायु जो है वो एक देश से दूसरे देश तक जाती रहती है और उसके लिए वायु को किसी तरह के कोटा परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। एक देश के अंदर अधिक ज़्यादा ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन वाली गैसों का अगर अगर उनकी मात्रा ज़्यादा है या प्रदूषण जो वायु है तो दूसरे देश में भी जा सकती है, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। ये ग्रीन हाउस गैसों को हमें समझना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस जो इस जलवायु परिवर्तन के कारण है और जो इस कार्बन क्रेडिट के आधार बने हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस 6-7 गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा मीथेन है, इसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं और क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स हैं, कई तरह के हाइड्रो क्लोराइड्स हैं, जैसे हाइड्रो फ्लोरो कार्बन्स हैं, पर फ्लोरो कार्बन्स हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो हमने कहा ही, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है और पानी की वाष्प, वह भी एक इस तरह की जो गैस तो नहीं है लेकिन वह भी गर्मी बहुत शोषित करती है, तो उसको भी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये करीब 1 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के सतह पर, पृथ्वी की सतह से एक जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उसके अंदर बहुत ही एक घना एक मोटा वलय बना देती है। जब उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जब जब उनका उत्सर्जन ज़्यादा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो 300 350 थी इस सदी के शुरुआत के दिनों में, अभी 400 से अधिक, पिछली सदी में अब 400 से अधिक हो गई है ppm, तो इस तरह से दूसरी गैसों की भी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो ये जो गैसें हैं जितनी बढ़ती जाएंगी वो जाके उस वलय को और मोटा करते जाएंगे और उससे क्या होता है कि जो ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा जब पृथ्वी पर आती है और सतह से टकरा कर जब उसमें से एक विशेष तौर पर इंफ्रारेड किरणें हैं जिनकी जिन जिनके अंदर मतलब क्षमता, गर्मी तो बहुत होती है लेकिन वो तेज़ी नहीं होती है, वो ताकत नहीं होती है कि वो वापस बहुत तेज़ी से चले जाएँ, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणों की होती है या दूसरी किरणों की है, तो वो इस वलय से घिर जाती हैं। इस वलय के कारण से वो वापस हमारे जो ये ट्रोपोस्फियर है इससे बाहर नहीं जा पाती हैं और इसी कारण से, इनके बाहर नहीं जाने के कारण यह समस्या आती है कि ये पृथ्वी की वैश्विक गर्मी बढ़ रही है। तो इनका उत्सर्जन कम करना, इनको सोखना, इनके सोखने के बहुत सारे तरीके हैं, स्थिरीकरण करना इन गैसों को, ये सारे उपाय माने गए हैं जो वैश्विक गर्मी को कम कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। आप देखेंगे यूरोप के बहुत सारे देश हैं या बहुत सारे विकसित देश हैं, छोटे छोटे हैं, उनके उनके देशों में इतनी जगह नहीं है और वहाँ की जगह भी बहुत महंगी है, वहाँ का लेबर बहुत महंगा है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में यह व्यवस्था की गई कि ये गैसें अगर वो उत्सर्जन अपने देश में कम नहीं कर सकते हैं तो उनको यह व्यवस्था दी जाए कि वह किसी दूसरे देश में उनके जो तय उत्सर्जन है उससे अधिक कम कर दें उत्सर्जन, उनका सिंक बढ़ जाए किसी तरह, उनका उत्सर्जन उनके निर्धारित लक्ष्य से कम हो जाए तो वो उनसे ये वह खरीद सकते हैं।
उस तरह की सहूलियत को कि वो पूरी पूरे वैश्विक लेवल पर उत्सर्जन कम हो रहा है, इसलिए ये देश जो औद्योगिक देश हैं ये उनके प्रोजेक्टों को सपोर्ट करके, उनको धन देकर, उनके टिकाऊ धारणीय विकास को समर्थन करके, और ये उस क्रेडिट्स को एक एक मेजरेबल क्रेडिट जो है, जो जो जिसको सर्टिफाइड इमिशन क्रेडिट कहा गया है, तो उसको ये सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, उसकी एक यूनिट होती है, तो उस यूनिट को ये खरीद सकते हैं और उसके बदले उनको भुगतान कर सकते हैं, जिससे वो देश अपने यहाँ अलग तरीके की जो मतलब ख़ास तौर से जो इस तरह के प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे उनके यहाँ इमिशन कम हो जाए। ये प्रोजेक्ट है मोटे तौर पर, जो कुछ प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं इसके लिए, जैसे ये 38 जो औद्योगिक देश हैं जिनको एनेक्सियोर 1 में माना गया है, उन देशों को अपना उत्सर्जन कम करने के लिए दूसरे किसी देश में, जैसे अमेरिका है वो भारत में कर सकता है, या किसी नेपाल में कर सकता है कोई, तो वो उसके लिए तय जो 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 प्रोजेक्ट हैं जिनको वो सपोर्ट कर सकता है, वो है वो करीब वो ज़्यादातर ऊर्जा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, जैसे किसी एनर्जी इफिशियंसी एंड यूज पर अगर किसी प्रोसेस की, किसी इंडस्ट्री की अगर कम करने का प्रोजेक्ट है, तो उसको सपोर्ट टाइम सपोर्ट कम किया जा सकता है। इसी तरह से अगर सप्लाई साइड में एनर्जी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्टों को भी इसमें कार्बन क्रेडिट के इस प्रबंध के द्वारा धन दिया जा सकता है। एक औद्योगिक देश धन दे सकता है और उसके बदले जितना कम होगा उतना वो वापस ले सकता है, मतलब अपने वो क्रेडिट्स अपने अपने उत्सर्जन में काउंट कर सकता है। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, फ्यूल स्विचिंग के प्रोजेक्ट हैं, फॉसिल फ्यूल से कोई रिन्यूएबल एनर्जी पर अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं, सोलर एनर्जी पर, दूसरे पर, तो इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट इसमें शामिल होंगे। इसी तरह से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में वो प्रोजेक्ट हैं, जैसे जैविक कृषि के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, जो जो खेती में प्रयोग में लाई जाती है वो खाद के रूप में, उनकी मात्रा अगर हम कम कर सकते हैं, या मीथेन निकलती है कई तरह के खास तौर से धान के खेतों से, या जहाँ पानी लगा हुआ है ऐसे ज़मीन से ये माना जाता है, या जहाँ सड़ गल रही हैं ऐसे जो वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उससे मीथेन गैस निकलती है, तो मीथेन गैस को भी ये माना गया है कि उससे गैस अगर मतलब इस तरह के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अगर हम शिफ्ट करते हैं, तो इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी इसके तहत कार्बन क्रेडिट पा सकते हैं और इसकी ट्रेडिंग हो सकती है, कार्बन ट्रेडिंग हो सकती है। इसी तरह से अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कोई बदलाव किया जाता है जिसके कारण से इंडस्ट्री में एनर्जी इफिशियंसी बढ़ती है, इमीशन कम होता है और प्रदूषण कम होता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को मान्यता दी गई है। सिंक प्रोजेक्ट हैं जो जैसे जैसे विशेष तौर पर एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन को बढ़ाने से पौधे, एक्चुअली कार्बन, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये जो कार्बन स्थिरीकरण है वह मोटे तौर पर 5 तरीके से होता है, तो इनमें से किसी भी तरीके को अगर ये प्रोजेक्ट सपोर्ट करते हैं तो उनको इसके तहत लिया जा सकता है। जैसे कार्बन का जमीन में नॉर्मली माइक्रोब्स के द्वारा स्थिरीकरण होता है, फ्री मुक्त कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड तो एक प्रतीक के तौर पर लिया जाता है क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है, दूसरे जो गैसेस हैं वो भी जैविक जो जीव हैं वो स्थिर करते हैं उनको भी, वो अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म से, मुक्त फॉर्म से अगर बंधन में, जैविक बंधन में ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वह बंध जाता है, वह मुक्त नहीं रहता, और मुक्त नहीं रहेगा तो वह गर्मी नहीं पैदा करेगा, वह ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाएगा। तो जमीन के अंदर जितनी अधिक माइक्रोब्स की मात्रा बढ़ेगी, सॉयल माइक्रोब जितने अधिक बढ़ेंगे, सॉयल कार्बन जितना अधिक बढ़ेगा उतना अधिक कार्बन का स्थिरीकरण होगा। इसके अलावे
पौधों द्वारा, पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, सभी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं और उसी भोजन से सभी तरह के जीवों का, मनुष्य का भी, पशुओं का भी, पक्षियों का भी, कीड़े मकोड़ों का भी और स्वयं पौधों का भी और माइक्रोब्स का भी, सभी का जीवन इसी कार्बन से चलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके प्रकाश संश्लेषण में ये हरे पौधे बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं। और जितना बड़ा पेड़ होगा, जितनी अधिक हरी पत्तियाँ होंगी, उतना ही अधिक कार्बन संश्लेषण होगा, उतना ही अधिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, वह सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है जिससे कार्बन स्थिरीकरण किया जा सकता है। हालांकि वैश्विक लेवल पर अभी कार्बन स्थिरीकरण पेड़ों द्वारा, वनों द्वारा करने से इसको जो क्रेडिट, जो सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन के यूनिट में बदलने के लिए लगातार, मतलब इसकी, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि लंबे समय में कितना कार्बन स्थिर हुआ, इसके तरीकों को लेकर एक विवाद है। इसको लेकर अभी बहुत सहमति नहीं बनी है, फिर भी यह एक बहुत ही, जिन देशों के पास अधिक जमीन है, क्योंकि इसका पेड़ों को लगाने का फ़ायदा न सिर्फ कार्बन स्थिरीकरण है, इसके साथ बहुत तरह के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ जुड़े हुए हैं। इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करने में, हैबिटाट प्रोवाइड करने में दूसरे जीवों को, तमाम तरह के जो इकोनॉमिक चीज़ें प्राप्त होती हैं, भोजन से लेके, भोजन, कपड़ा, आसन, घर, हर चीज़ तो पेड़ों से मिलता है, दवाइयाँ, तो ये सभी तरह के जो, जिसको कहते हैं इकोसिस्टम बेनिफिट्स, इकोसिस्टम जो सर्विसेज हैं इसकी, वो बरकरार रहते हुए भी कार्बन स्थितिकरण, सॉयल की कार्बन लेवल या माइक्रोबियल लेवल भी इससे बढ़ती है। इसके साथ साथ ये कार्बन स्थिरीकरण करता है, बड़ी मात्रा में करता है, और इसीलिए इसको भी एक इसके तहत माना गया है, कार्बन स्थिरीकरण के एक मुख्य जो तरीके हैं उनके तहत। इसके अलावा भूगर्भ में इन गैसों को अगर हम किसी तरह ट्रैप कर सकें, जिसे इसको कहते हैं जियो सिक्वेस्ट्रेशन, तो वहाँ भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, उसको नापा जा सके, उसको अगर किसी यूनिट में, क्रेडिट में बदला जा सके, तो उसको भी हम मानेंगे कि कार्बन स्थिरीकरण हो रहा है और उसकी ट्रेडिंग हो सकती है। इसी के साथ समुद्र में, समुद्र पृथ्वी से, आप समुद्र की तुलना करिए, उसका क्षेत्रफल उससे भी ज़्यादा है, और कितनी बड़ी मात्रा में जल है, कितनी बड़ी मात्रा में जैविक संपदाएं हैं, और किस किस तरह से उसका अपना इकोसिस्टम है, इतने तरह के इकोसिस्टम है समुद्र के भीतर कि उसकी कल्पना करके ही आदमी को रोमांच हो जाता है। तो यह समुद्र भी बहुत बड़ा सिंक है इसके कार्बन स्थिरीकरण के लिए। इसके अलावे चट्टानों में या कृत्रिम तरीके से अगर मिनरल्स को फिक्स करते हैं, अगर मुक्त कार्बन को हम किसी बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं, तो वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। और बहुत सी तकनीकें अभी नई दुनिया में ईजाद की जा रही हैं जिससे कार्बन स्थिरीकरण हो सके, ऐसे फिल्टर बनाए जा सकें, नैनो फिल्टर भी बनाने की बात हो रही है, या ऐसे पदार्थ बनाए जा सकें जो कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड से लेके कार्बन को स्थिर कर दें, ऑक्सीजन को मुक्त कर दें, और इस तरह से हम एक 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 बेटर, मतलब कि अपना बेहतर वायु बना सकें, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकें, अपनी क्रेडिट को बढ़ा सकें। लेकिन इसमें संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन अभी इसमें काम होना बाकी है, क्योंकि इसमें धन की आवश्यकता है, जैसे टावर्स कई चाइना में, कई देशों में लगाए गए हैं वायु प्रदूषण के लिए, लेकिन अब इसकी जो कीमत है वो बहुत अधिक है, और इस कारण से इसमें कम कीमत के, कम लागत से कैसे इन तरीकों को हम बना सकते हैं, यह भी हमें
देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये इनमें से जो भी तरीके हैं, हम जिन तरीकों का भी करें, समवेत तरीके से सभी तरीके भी फॉलो कर सकते हैं। मोटे तौर पर यह है कि वो मेजरेबल तरीके से उस कार्बन क्रेडिट को उस देश में, जो उसको क्रेडिट को बेचने वाला देश है, देने वाला देश है, और जो उस क्रेडिट को लेने वाला देश है, इन दोनों के बीच एक सहमति हो और वो क्रेडिट नापे जा सकें। क्रेडिट को वो मतलब उसको एक एक, एक, एक करेंसी की तरह बदला जा सके, यह महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से कार्बन स्थिरीकरण और कार्बन क्रेडिट को हम मतलब हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। कार्बन यह सिद्धांत ही सिर्फ नहीं है, यह एक हकीकत भी है। विश्व में बहुत सारे देशों में ऐसे प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं जो कार्बन क्रेडिट के क्रेडिट के की पात्रता रखते हैं और उसका हुआ भी है। ऐसे कुछ प्रोजेक्टों का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जो मेरे पास एक लिस्ट है एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे इनर्जी इफिशियंसी मेजर्स इन इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, ये वियतनाम में एक प्रोजेक्ट चला है जिसमें एंड यूज इनर्जी इफिशियंसी को कम किया गया, इनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाया गया है, मतलब इनर्जी की खपत को कम किया गया है। इसी तरह से सप्लाइड साइड इनर्जी इफिशियंसी पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कंबाइंड हीट एंड पावर प्रोजेक्ट इन, ये चाइना के सेंग्यू थर्मल पावर प्लांट हेनान प्रोविंस में ये हुआ है। एक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके प्रोजेक्ट है जो इस कार्बन क्रेडिट के तहत आता है, वह है बायोजेन बायोमास पावर जनरेशन प्रोजेक्ट फेज 1, ये भी हंडूरस में ये इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया। इसी तरह से विंड एनर्जी पर आधारित एक प्रोजेक्ट है एलजीज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये मारिशेनिया देश में, AIG मारिशेनिया में इसको लागू किया गया है। एक और प्रोजेक्ट है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, ये सोलर एनर्जी पर आधारित प्रोजेक्ट है, इसको साउथ अफ्रीका में, यह रेजिडेंशियल सोलर वाटर हीटिंग। तो ऐसे देश जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जिनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है और उनकी जो 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 एनर्जी जो खास तौर से ये कार्बन इमिशन कैपेसिटी अधिक नहीं है, तो वो उनके कोटे से अगर अधिक वो उनका कार्बन बचत है, कार इमिशन का बचत है, तो उनको ये दूसरे औद्योगिक देश इस तरह के प्रोजेक्टों को धन देकर और उस क्रेडिट को खरीद सकते हैं और उससे उन देशों की अपनी जो विकास की धारणीय विकास की जो जो धारणीय विकास से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो लागू हो सकते हैं। हाइड्रो पावर में एक प्रोजेक्ट है चिली में, चैके ब्यूक्यूटो 26 MW रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो यह भी इसी कैटेगरी में आता है। और बायोमास पर एक प्रोजेक्ट है, मैंने जस्ट उदाहरण के लिए कुछ प्रोजेक्ट लिए हैं, वह है सस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड चारकोल प्रोडक्शन फॉर द पिग आयरन इंडस्ट्री इन माइंस जेरेस इन ब्राजील, ये प्लांटायर प्रोजेक्ट इसका नाम है। सस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड चारकोल प्रोडक्शन फॉर द पिग आयरन इंडस्ट्री इन मिनास जेरेस द प्लांटायर प्रोजेक्ट, ये बड़ा लंबा नाम है, ये ब्राजील में चलता है। इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं और इनको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जलवायु, एक एक प्रश्न आ रहा है हमारे स्क्रीन पर कि जैविक खाद की खेती में खाद की कमी से उत्पादन पर असर पड़ेगा, इसका समाधान क्या है? देखिए, खेती में खाद की कमी से अगर जैविक खाद को बढ़ाया जाए तो जैविक खाद को बढ़ाकर खाद की कमी को पूरी किया जा सकती है। इस तरह के बहुत सारे पूरे विश्व में काम हो रहे हैं और भविष्य में
जो जो सॉयल माइक्रोब हैं, ये एक ऐसा प्राकृतिक सिस्टम है कि जो सॉयल माइक्रोब्स हैं उनकी बहुत क्षमता है तमाम तरह के कृषि, न सिर्फ खादों की कमी पूरा करने की, वो पेस्टिसाइड को ख़त्म कर सकते हैं, वो उसको तोड़ सकते हैं, वो दूसरे रसायनों को तोड़ सकते हैं, वो बीमारियों को रोक सकते हैं, वो वहाँ जो ऑर्गेनिक जो जो चीज़ें पड़ी हैं, एग्रो वेस्ट पड़ा है खेती में, उसको गला सकते हैं जल्दी से, जैसे पुआल और भूसी की बात होती है जो कई देशों में जलाया जाता है और बहुत बड़ी समस्या है, तो इस तरह से उनको कर सकते हैं। उसके लिए तकनीकी विकसित की जा रही है, क्वालिटी कंट्रोल अभी इतना नहीं है, और ये जो जैविक जो 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 साधन है वो समाधान तो है, आप कह रहे हैं समाधान नहीं है, ऐसा नहीं है, समाधान है। और बहुत से लोग, बहुत से बल्कि किसान जो पढ़े लिखे किसान हैं और जैविक खेती कर रहे हैं या तकनीकी खेती कर रहे हैं जिसमें इन खातों का, एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक हमारे मित्र हैं यहीं यहाँ लखनऊ के पास, उनको ये भी मिला है अभी पीछे, रामशरण वर्मा जी, जिनको पीछे पद्मश्री से नवाजा गया है। उनका कहना है कि उन्होंने जैविक खेती पर तो नहीं शिफ्ट किया, बहुत सफल किसान है, बहुत बड़े पैमाने पर 250 एकड़ में किराए की ज़मीन लेकर खेती करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने 10 गुना, मतलब जैविक खेती तो कहते हैं अभी हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हम 10 गुना उसको हमने कम कर दिया है इसके खाद की आवश्यकता को। तो एक्चुअली जितना खाद डालते हैं, जो ओवरलोडिंग करते हैं, उतने की आवश्यकता नहीं है, और धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं, और उससे कई तरह की समस्याएं हैं। वो उसमें ना सिर्फ यह समस्या है बल्कि खाद वाले मामले में तो हम लोग भी इसमें शोध कर रहे हैं। यह अभी बात कहना चाहूँगा कि जो बहुत खाद जितनी हम डालते हैं, ये रासायनिक खाद, वो सारा खाद उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, पौधे इस्तेमाल नहीं कर पाते, बहुत सारा ज़मीन के अंदर चला जाता है, पानी में मिल जाता है, और पानी में मिलने के बाद वह इस खाद को पौधे ही पचा सकते हैं, इस खाद को कोई भी जीव, पानी का जीव, धरती का जीव, मनुष्य कोई नहीं पचा सकता है। इसमें से बहुत सारा हिस्सा जो पानी में जाता है, पानी के जीवों को बहुत नुकसान करता है। इसके अलावा ये जो गैसियस इमिशन तो होता ही है जिससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, इसके अलावा इसके जो ये इसमें से बहुत सारा ऑर्गेनिक रूप में खाद्य पदार्थ के रूप में बदल नहीं पाता है, ये जो खाद हम डालते हैं, और उसका एक बड़ा हिस्सा पौधों के अंदर खाने वाले जैसे फलों में, जैसे पत्तियों में और दानों में, वो उसी रूप में रह जाता है, इनऑर्गेनिक रूप में रह जाता है, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट के रूप में रह जाता है, और ये हम पचा नहीं सकते, इसको कोई भी खाने वाला जंतु नहीं पचा सकता, क्योंकि जो इसको संश्लेषित करने के एंजाइम हैं, जो जीन हैं, वो सिर्फ पौधों में ही होते हैं, हरे बैक्टीरिया में और हरे पौधों में। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये बड़ी समस्या है, और एक भ्रम है कि खाद हम अधिक नहीं डालेंगे तो उपज नहीं होगी, खाद बहुत सारे लोग खाद कम कर रहे हैं और सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है, और धीरे धीरे हम अभी हमने कल ही अखबार में पढ़ा था कि गोरखपुर के पास महाराजगंज में कुछ किसानों ने इस कोविड काल में, जिस समय सब्जियां बहुत सस्ती हो रही हैं, जैविक सब्जी उगाकर 2-3 एकड़ में, और उन्होंने उसको ऑनलाइन बेचकर बहुत कमाई की है। तो खेती में बड़े संकट हैं, उस पर हम अभी आज बात नहीं कर रहे हैं, तो खेती को लेकर कई तरह की बातें की जानी है, और खेती को लेकर, और ये जो गांव में रोजगार पैदा करने की बात की जा रही है, जो ये हमारे माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं, इनको काम देने की, और लघु उद्योगों को विकसित करने की, मध्यम उद्योगों को विकसित करने की बात हो रही है इसमें, और खाद्य सुरक्षा को भी, जो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस खाद्य सुरक्षा को भी पाने के लिए हमें खेती पर बहुत सारे प्रयोग करने होंगे, और बहुत सारे युवा, पढ़े लिखे युवा नए तरह के प्रयोग कर रहे हैं। हमें यह सोचना सही नहीं है कि हमें कोई बधा बधाया एक हल मिल जाएगा, लेकिन यह है कि खेती की समस्याओं को हल करने के साथ हमें पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और रोजगार की बहुत अधिक तरह की, कई तरह की समस्याएं हल होनी है।
इस पर हमें गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है, सरकारों को भी और अन्य लोगों को भी। सरकारों का जो व्यवस्था है वो हमें समझ में नहीं आता है, फील्ड में जाकर बहुत प्रभाव नहीं पैदा कर पा रही हैं योजनाएं, उसके मॉनिटरिंग का, रेगुलर मॉनिटरिंग का जो वैज्ञानिक विधियों में सबसे महत्वपूर्ण एक विधि है कि लगातार आप मॉनिटरिंग करते रहिए, इवेल्युएट करते रहिए, रिव्यू करते रहिए और उस हिसाब से चीज़ों को बदलते रहिए ज़मीन पर, इसका मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई बहुत ही एक इंडिपेंडेंट और भरोसेमंद सिस्टम बन पाया है। तो खेती की समस्याओं को लेकर कई चीज़ें तो ज़रूर करने की आवश्यकता है और इस पर हम कभी मुझे बात करने का अवसर मिला तो मैं ज़रूर, यह मेरा बहुत प्रिय विषय है खेती की बातों को करना। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारा विषय जो था कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन क्रेडिट बहुत महत्वपूर्ण है, क्षेत्र है, और मुझे लगता है कि इस थोड़े से समय में मैंने बात को रखने की कोशिश की, बहुत विस्तार में तो नहीं जा पाए लेकिन मैंने कोशिश की कि ऐसे लोग जो इसके विशेषज्ञ नहीं हैं उनके बीच भी यह बात हो सके और उनके बीच भी इस मुद्दे को लेकर हम उनको सेंसिटाइज कर पाएँ। अगर मैं इसमें थोड़ा बहुत भी मुझे सफलता मिली है तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सबका, आपने सुना, आपने बात भी किया और आपने इसमें भागीदारी की। हम इस विषय को और इससे जुड़े अन्य विषयों को भी बहुत ही शिद्दत से, बहुत गंभीरता से, बहुत जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।